हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं 3D प्रिंटेड स्पाइडर रोबोट। ये रोबोट बनाने के लिए हमें चाहिए 3D प्रिंटर, उसके मदद से हम बनाएंगे ये सारे पार्ट्स। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप 3D फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ये पार्ट प्रिंट होने के बाद हमें चाहिए SG90 सर्वो मोटर, एक आर्डिनो नैनो, एक जनरल पर्पज PCB और उसके ऊपर लगेंगे मेल एंड फीमेल बर्ड स्ट्रिप। और पावर सप्लाई देने के लिए हम यूज करेंगे 7.4 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो सर्वो मोटर्स है, ये सारे 3D प्रिंटेड पार्ट्स में हम लगा देंगे। सारे सर्वो मोटर लगाने के बाद अभी हम यूज करेंगे आर्डिनो नैनो और उससे सारे सर्वो मोटर्स कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आर्डिनो नैनो के ऊपर मेल बर्ड स्ट्रिप लगा के उसे सोल्डर कर देते हैं। लेकिन इतने सारे सर्वो मोटर का आर्डिनो नैनो से कनेक्शन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो बेटर ऑप्शन हम इसके लिए PCB से एक सर्किट बोर्ड डिजाइन करते हैं।
सर्वो मोटर के सारे कनेक्शन होने के बाद अभी हम बैटरी से पावर सप्लाई देने वाले हैं। बैटरी कनेक्शन के बाद हम इसमें अपलोड कर देंगे प्रोग्राम, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। और मेक श्योर कि जब भी आप प्रोग्राम अपलोड करोगे उसके पहले बैटरी का स्विच ऑन होना चाहिए। तो आपको लेक्स करके प्रोग्राम डाउनलोड करना है, इस आर्डिनो में उसे हम अपलोड कर देंगे। अभी हमारा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है, तो ये केबल रिमूव करके अभी हम इसकी लेग को सर्वो विंग्स लगा देंगे। तो इस पोजीशन पर आपको सारे सर्वो विंग लगा देने हैं। सारे विंग्स लगने के बाद आपको लेग्स को 90 डिग्री में टर्न करना है, और इसके बाद लेग्स वाले सर्वो विंग्स भी आपको लगा देने हैं। तो ये चारों लेग्स के लिए सेम प्रोसेस करना है। डन। तो अभी हमारा प्रॉपर पोजीशनिंग हो गया है। अभी हम इसके अंदर दूसरा प्रोग्राम अपलोड करने वाले हैं। तो बैटरी का स्विच ऑफ करके आपको बेस लेना है, और बेस में हम ये पीसीबी डाल देंगे। पीसीबी डालने के बाद हम ये वायरिंग को प्रॉपरली अरेंज करके अभी इसको अगेन यूएसबी केबल से कनेक्ट करके इसमें प्रोग्राम 2 अपलोड करेंगे, जो विदाउट ब्लूटूथ रहेगा। अगर आप इसे ब्लूटूथ से चलाना चाहते हो तो आपको प्रोग्राम 1 अपलोड करना पड़ेगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाने वाला हूँ कि ब्लूटूथ से ये रोबोट कैसे कंट्रोल किया जाए। अभी के लिए ऑटोमेटिक चलने वाला है। अभी प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। अभी हम इसे प्रॉपरली असेंबल करके लगा देंगे स्क्रू। डन। अभी हम इसके ऊपर कर देंगे बैटरी इंस्टॉल। तो ग्लूगन की मदद से हम इसके ऊपर बैटरी लगा देते हैं। अभी टेस्टिंग का पार्ट। डन। तो टेस्टिंग में भी ये पास हो गया है, ये अभी प्रॉपरली चल रहा है। तो चलो अभी रन करके देखते हैं। तो ये अच्छी तरह वर्क कर रहा है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसे ब्लूटूथ से भी ऑपरेट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना।